नमस्ते, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप के ज़रिए हमें जीपी में स्थित बीबीएनएल के सभी इक्विपमेंट्स का हर दिन हमें सर्वे करना होता है और साथ ही में जीपी का स्टेटस भी हमें अपलोड करना होता है। मैं सुलेमान शेख सीएससी के ओर से आपको विनंती करता हूं कि वे आप अपने जीपी का सर्वे रोज़ाना कंप्लीट करें और साथ ही में अपने जीपी के वीएलई से भी वे डिस्कस कर हर दिन सर्वे कराए। चलिए, तो मैं आपको भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप का किस तरह से उपयोग करें वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आपको सीएससी आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। तो मैं मेरा सीएससी आईडी डालता हूँ। उसके बाद में मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही मेरे सीएससी में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, जो ओटीपी हमें यहाँ पर डालना होता है। जैसे ही ओटीपी डालने के बाद दोबारा आपको सबमिट का कहा जाएगा। सबमिट करते ही आपको एक पिन जनरेट करने के लिए कहा जाएगा, तो मैंने न्यू पिन जनरेट करता हूँ और साथ ही में कन्फर्म में भी वही जो पहले डाला था वही पिन डालूँगा। उसके बाद मैंने सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, डेली सर्वे वाला। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ओएनटी स्टेटस, जैसे कि आपका ओएनटी यदि अगर अप है तो आपको अप डालना होगा, अगर डाउन है तो डाउन डालना होगा। यहाँ पर मैंने एक जीपी का, जो कि मेरा जो जीपी है वहाँ का मैंने स्टेटस डाल रहा हूँ, जो कि अभी इस वक्त अप है, तो मैं यहाँ पर अप डाल देता हूँ। यदि अगर आपका वो जीपी डाउन अगर है तो वहाँ पर आप डाउन भी डाल सकते हो, और किस वजह से अननोन है तो अननोन डाल सकते हो, और किस वजह से जीपी डाउन है वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं सीसीयू स्टेटस, जो कि आपका ओएनटी को पावर सप्लाई करने वाली मशीन है वो चालू है या बंद है या फॉल्टी है या मिसिंग है, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पर फंक्शनल में डाल रहा हूँ। उसके बाद में पूछा जाएगा आपको बैटरी का स्टेटस। बैटरी स्टेटस में भी मेरे पास की बैटरी ओके है और फंक्शन में है और चालू है, इसलिए मैंने इसको भी फंक्शनल डाल देता हूँ। यदि आपके पास अगर कोई अगर फॉल्टी है, मिसिंग है, तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही में FTTH कलेक्शंस यदि अगर आपके पास से कितने हो गए हैं और होने वाले हैं, यहाँ पर नंबर आप पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप डाल दीजिए। मैं इस जीपी से 5 कलेक्शंस का रिक्वायरमेंट है और मैंने फाइबर बिछा रखी है, इसलिए मैं 5 डाला हूँ। नंबर आप कूपन सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पर अभी तक कोई भी कूपन परचेस नहीं किया है और आज ही के दिन में मैंने 5 कूपन परचेस किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 डाला हूँ। और कूपन ऑफ अमाउंट का जो है 400 मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर डालकर बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ फाइबर फॉल्टी, इससे पहले मेरे पास कुछ 2 फाइबर फॉल्टी थे और अभी कोई फॉल्टी नहीं है, स्प्लाइसिंग मैंने नहीं किया उस जीपी में, तो इसलिए मैं यहाँ पर जीपी डाल 0 डाल देता हूँ। और उसके बाद में हमें फाइनल ऑप्शंस सबमिट करना होता है। जैसे ही हमने सब रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि रिपोर्ट सबमिटेड बोलकर आ गया है सक्सेसफुली, तो हमें बस इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, बस काम ख़त्म। इतना होते ही हमारा जीपी का सर्वे कंप्लीट हो गया है। ये हर दिन आपको और आपके जीपी के वीएलई को करना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।